स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है अमन दहल और आप देख रहे हैं मेरी गाड़ी मेरी बात। अब भैया मैं बात करना चाह रहा हूँ मेरी गाड़ी की, यानी मेरी स्विफ्ट 2018 मॉडल डीजल ऑटोमेटिक की। तो रिसेंट मतलब मेरे को हो गया अराउंड इसको 6 महीने चलाते हुए, तो मैं बात कर लेता हूँ कुछ कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस की, अच्छे और बुरे की। अच्छे, अच्छा सबसे अच्छा भैया क्लच नहीं है तो सीधी सी बात है कि मेरा पैर फ्री हो गया, तो बहुत ही सुकून है। नोएडा से आप गुड़गांव जाते हो, गुड़गांव से नोएडा आते हो, इतना ट्रैफिक होता है वहाँ, अब रोना नहीं आता है। क्योंकि मैनुअल में बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि ट्रैफिक का भी पता ही नहीं होता, कोई सेंस नाम की चीज़ है नहीं, कितना ट्रैफिक लग जाए आपको भी नहीं पता। तो कई बार 3-3, 4-4 घंटे भी ट्रैफिक में लगे तो वहाँ बड़ी दिक्कत होती थी। अब रही बात दूसरी कि अच्छी चीज़ें पहले बात कर रहे हैं, मतलब एक तो हो गया कि ये मेरा पैर फ्री हो गया तो उसके कारण बहुत सुकून हो गया। दूसरी चीज़ ये भी है कि भैया गियर आपको चेंज नहीं करना, तो आराम से सेकंड हैंड भी आपका, मतलब मेरे को आदत, गंदी आदत थी कि मैं क्लच बहुत ज़्यादा प्रेस करता था, तो वो चीज़ मेरी आदत छूटी, क्योंकि क्लच है नहीं तो क्या प्रेस करूँगा मैं। तो वीर एंटीयर क्लच वाला जो है थोड़ा कम हो गया है, मे बी हो गया होगा। और तीसरी अच्छी चीज़ अगर मैं बात करूँ कि इस गाड़ी के साथ जो मेरे को हुआ, वो यही कि भैया माइलेज जो है ना, मेरे को ऐसा लगता था, मैंने जब पहले लोगों से पूछा था तो यही बोलते थे सारे कि ऑटोमेटिक गाड़ी की माइलेज बहुत कम होती है, बट ऐसा कुछ नहीं, 3-4 किलोमीटर का डिफरेंस आया। मतलब वो अगर मैं हाईवे पे बात करूँ 27-28 की माइलेज दे रही थी मेरी, तो ये 23-24 की तो बहुत आराम से जो है माइलेज दे देती है। तो मतलब ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं लगता, देखो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना ही पड़ेगा। अच्छी चीज़ मेरे को इसकी और लगी कि भैया इसमें ना कोई मैंने सीट कवर लगा नहीं रखे, तो इनिशियल जो सीट आती हैं ये मतलब इस तरीके की आती हैं, फैब्रिक की है। देखो इसमें अच्छी और बुरी दोनों बातें हैं, मतलब अच्छी अगर मैं बात करूँ तो कंफर्ट बहुत है, मतलब कुशनिंग जो है ना, साइड लंबर सपोर्ट जो है ना ये बहुत अच्छा है इसमें, तो मतलब उससे ग्रिप अच्छी बनी रहती है बॉडी की, कॉर्नर वगैरह आप लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और दो नेगेटिव भी है कि भैया ये गंदी जल्दी हो जाती है, बट कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ जैसे मैंने बोला, बट भैया कम्फर्ट के साथ कहीं ना कहीं तो कम्फर्ट ज़रूरी है। दूसरा ये होता है ना कि पूरी गर्मियाँ बीत गई हैं, मतलब पूरी गर्मियों में मैंने इस गाड़ी को ड्राइव किया है, तो जो आग लेदर के सीट में लगती थी, क्योंकि देखो दिल्ली शहर में आपको पता बहुत गर्मी होती है, इवन गाँव भी जाता हूँ वहाँ बहुत गर्मी होती है, तो भैया गर्मी में दिक्कत होती है, गाड़ी आग लगी होती है अंदर, तो ये फैब्रिक का जो सीट होता है ना इस पर ये दिक्कत मेरे को मतलब ज़्यादा नहीं हुई, मतलब 70% जो है ये मतलब हीट कम होती हैं उससे, लेदर सीट कवर से, उसके कारण मेरे को ये लगता है गाड़ी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। और कूलिंग वाइज या इंजन की परफॉर्मेंस वाइज या फिर गियर शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा थोड़ा मेरे को लगता है कि इम्प्रूवमेंट की जा सकती थी, बट पता नहीं जो भी है, मतलब सबका अपना अपना ओपिनियन है। एक चीज़ और मैं नोटिस करी मैंने, आप उसको पॉजिटिव नेगेटिव, मैं उसके बारे में भी मैं श्योर नहीं हूँ कि पॉजिटिव होनी चाहिए नेगेटिव होनी चाहिए, वो कि मैंने जो महसूस किया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस गाड़ी में क्या होता है कि जब गाड़ी आप गियर अपग्रेड करो, फॉर एग्जांपल आपने ड्राइव करना स्टार्ट किया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बहुत जल्दी लग जाता है, हो सकता है वहाँ पर ज़रूरत ही ना हो, क्योंकि सामने आपको दिख रहा है कि कुछ चीज़ ऑब्जेक्ट आने वाली है और आपको हो सकता है थोड़ी देर में गियर चेंज करना पड़े, तो वहाँ पे भी यार गाड़ी जज कर नहीं पाएगी, क्लच है नहीं तो आप मैनुअली भी कर नहीं पाती, या फिर मैनुअल मोड में चलाओ इसको तभी हो पाएगा पॉसिबल। क्योंकि अब देखो क्या होता है यार, सामने कोई ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है कि प्लांड मतलब कुछ ब्रेक लगनी है, तो इसको तो बताया कि नहीं, डाउनग्रेड जो है ना वो बहुत ही स्लो होती है, 5वें से 4थे में 3रे में 2रे में आने में टाइम लग जाता है, और इंजन जो है रोने की महसूस जो है ना, इंजन का रोना वो आप महसूस गाड़ी में बैठ के कर सकते हो। या मेरे को थोड़ा सा कभी कॉन्फिडेंस लूज होता है जब ये फर्स्ट गियर में जब आप स्लोप पे जा रहे हो, तो स्पीड तो देखो बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ती है ना तो गियर चेंज कर लेती है, तब थोड़ी सी अंडर पावर महसूस होती है, तो शायद ऐसा कुछ इसमें है नहीं। तो ये तो थी देखो अच्छी बुरी चीज़ें, कुछ मैंने कर ली मोस्टली पॉजिटिव बताई। अगर अब नेगेटिव बात करूँ, नेगेटिव प्योरली नेगेटिव जो मेरे को लगी इस स्विफ्ट के साथ, पहली चीज़ भैया पार्किंग मोड का ना होना, पार्किंग मोड होता ज़्यादा अच्छा होता। दूसरी चीज़ कि भैया बैटरी की इंडिकेशन कोई नहीं आती, अगर बैटरी लो हो जाती है, मेरे साथ अभी हुआ था रिसेंट एक केस, वो दूसरे वीडियो में मैंने कवर किया है पूरा। तीसरी चीज़ जो मेरे को लग रहा है कि गियर नोब जाना इसकी, ये भैया मेरे को बड़ी बकवास क्वालिटी की लगी, इतनी सॉफ्ट दे रखी इसमें, नाखून नाखून बड़े आराम से घुस जाते हैं, बच्चा मतलब बैठते हैं मेरी बेटी तो इसको कुछ ना कुछ कर ही देती है कलाकारी इसके साथ, तो ना इजीली मिल रही है। तो भैया मारुति को ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए था कि इनिशियली भैया तो ये चीज़ें सॉफ्ट फैब्रिक वाली चीज़ें नहीं है, इसको हार्ड ही बनाना चाहिए था ताकि वारंटी, तो मतलब गाड़ी 5-6 साल पुरानी गाड़ी है, लेकिन जब गाड़ी में अंदर घुसता हूँ ना एकदम सब कुछ नया नया दिखता है, लेकिन जब गियर नॉब को देखता हूँ ना ऐसा लगता है कि बहुत ही पुरानी गाड़ी है, मतलब बहुत ही चीप सा फील होता है। तो मैं जल्दी जल्दी इसको भी ठीक करवाने वाला हूँ आप लोगों के सपोर्ट से। एक बड़ी प्रॉब्लम मेरे को इसके साथ गाड़ी के साथ और लगी कि इसका जो अपर्चर एंगल है ना, मतलब जो अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये एंगल बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही ईजिली जो है ये नीचे लग जाती है, मतलब आगे की साइड से हल्का फुल्का जब आप स्लोप पे जा रहे होते हो, या फिर बीच में कोई
गटर है उसका ढक्कन आ गया, तो बहुत ही ईजिली जो बम्पर है टच हो जाता है या नीचे का पार्ट है, तो इससे बेसिकली मेरे को ये लगता है कि एक तो ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत है। पुरानी स्विफ्ट के साथ ऐसा नहीं था, मतलब जो सबसे पहले जनरेशन थी, सेकंड जनरेशन थी, थर्ड जनरेशन है, तो इसके साथ मेरे को ये महसूस हुआ, मतलब मैंने 3 साल उस गाड़ी को चलाया तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं मतलब उसी के हिसाब से इसको कई बार जो है ऐसी जगह पार्क कर देता हूँ, लेकिन बाद में पता लगता है कि ये तो भैया गलती हुई, बम्पर नीचे से खूब सारे स्क्रैचेस जो है लग जाते हैं, तो बहुत ही बुरा लगता है जब उसको साफ कर रहे होते हैं। तो यही था भैया आज की वीडियो में, बाकी अगर आपको स्विफ्ट ऑटोमेटिक डीजल से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उनके आंसर देने की। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।